आइए जी आइए, वेलकम टू द चैनल। एक नए व्लॉग के साथ मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। व्लॉग के स्टार्टिंग में आपने थोड़ा सा क्लिप देखा, उससे आपको आइडिया लग ही गया होगा कि शोना आज एक किचन का नया एडिशन दिखाने जा रही है। जी हाँ, आ चुका है मेरे किचन में एक नया हैंड ब्लेंडर। वैसे अभी नहीं आया है, आए हुए इसको एक महीने से भी ज्यादा हो गया है। कई बार मैंने इसको यूज किया तभी जा करके आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, ये तो आपको पता ही है। तो चलिए मैं आपको फटाफट दिखाती हूँ कि अगर आप भी हैंड ब्लेंडर लेने का सोच रहे हैं तो क्यों आपको ये लेना चाहिए, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, क्विकली आप देख करके आइए। यह है अगारो का मार्वेल 800 वॉट हैंड ब्लेंडर। ये आता है स्टेनलेस स्टील ब्लेड के साथ। इसमें मिल जाता है आपको प्रोटेक्टिव गार्ड, इसमें मिलता है आपको डिटैचेबल शाफ्ट फॉर इजी क्लीनिंग एंड स्टोरेज, इसमें है डबल मोड ऑपरेशन। मोड वन पे आप प्योरे बना सकते हैं, चॉपिंग कर सकते हैं, मिक्सिंग कर सकते हैं, और मोड टू पे आप मिल्क शेक बना सकते हैं, स्मूदीज बना सकते हैं या फिर आइस को क्रश कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ बहुत ही अच्छी लगी मुझे, जो कि है इनका स्पीड रेगुलेटर डायल, जिससे कि हम स्पीड को लो टू हाई एडजस्ट कर सकते हैं जब मोड टू पे काम कर रहे हो। तो इसे क्लीन करना भी इजी है, स्टोरेज भी इजी है, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, काम तो ये अच्छा करता ही है वो तो आपने डेमो में देख ही लिया, और साथ ही साथ में यहाँ पे स्पीड वगैरह भी मिल जाता है। तो बहुत सारे कंट्रोल्स हमको मिल रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी अफोर्डेबल इसकी प्राइस है। ये वाला जो पर्टिकुलर मॉडल है अगारो का, इसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे मिला है हैंड ब्लेंडर, पर अगर इनकेस आपको चॉपर के साथ में चाहिए तो एक और मॉडल है अगारो का, उसमें आपको चॉपर भी मिल जाता है। तो मैं दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा इन केस आपको अगर चॉपर वाला चाहिए। तो मेरे तरफ से फुल ऑन थम्स अप है, आप आराम से परचेज कर सकते हैं, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। बाल अब तक सूखे नहीं है इसलिए मैंने खोल के रखा हुआ है, पर अब सोच रही हूँ चोटी बना लूँ कुकिंग करते वक्त, और भी ज़्यादा गर्मी होती है, पता है गीले बाल होते हैं ना, और उस पर अगर आपको पसीना हो जाए तो फिर बहुत ही अजीब सा हो जाता है। पर सूख नहीं रहा, मेरे सर में है दर्द सुबह से, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है चैम्पी करके ऑयल का एक घंटा रखा, फिर शैम्पू कर लिया कि चलो ठीक हो जाएगा, पर ना कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। और मैं टाइगर बाम लगाया था वो उससे भी ठीक नहीं हो रहा, तो कभी कभी सर दर्द होता है ना उसके बाद ठीक ही नहीं होता। और मेरी गलती ये है कि मैं सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले लैपटॉप लेके बैठ गई, मुझे काम खत्म करना था तो मैंने अर्ली मॉर्निंग वो काम खत्म करने का डिसाइड किया। और जब भी ना मैं सुबह उठूँ हड़बड़ा के और सबसे पहले लैपटॉप खुल के बैठ जाऊँ या काम निकालने लगूँ तब ऐसा होता ही है। देखिए अंगद का फ़ोन बज रहा है, जैसे मैं ब्लॉग करना स्टार्ट करूँ या तो डोरबेल बजना स्टार्ट हो जाता है या फ़ोन बजना स्टार्ट हो जाता है। एक मिनट, ये घड़ी ना चलने लगी है पता नहीं कैसे, और इस घड़ी में प्रॉब्लम क्या होती है ना, पता नहीं चलता है कि चल रही है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेकंड का काटा नहीं है, आप देखोगे तो सीधा मिनट का है और आर का है, तो थोड़ा वेट करना पड़ता है जानने के लिए कि चल भी रही है कि नहीं। पर मैं देख रही हूँ सुबह से मूविंग है। का है ना ये जो रेडी टू ईट वाला जो मैंने मंगवाया है, तो ये तो पहली बार मंगाया है दीदी के यहाँ पे खा के, उसके पहले बस मंगाया था मैंने वो चंकी चिकन वाला जो था स्प्रेड, वो तो चलिए ठीक है, फिर भी आप 4 से 5 से 6 बार यूज करोगे। लेकिन अगर आप इसके बारे में बात करोगे ना तो मैं बोलूंगी कि थोड़ा मुझे लगता है कि ओवर प्राइस ही है। अगर आपको अपनी लाइफस्टाइल में बिल्कुल ऐड कर देना है, मतलब आप सोच रहे हो कि हर 10 दिन 12 दिन में एक बार इसको बनाया जाए, तो मैं बोलूंगी बहुत ज्यादा आपका बजट हिल जाएगा, क्योंकि ना ये 8-9 पीस रहता है और 300-350 जैसा इसका प्राइस है, 400-500 भी जाता है, डिपेंड करता है कि कौन सा फिश आप ले रहे हो। जैसे मैंने वो वाला जो बनाया था जिसमें सिर्फ 4 पीस आया था चाउमीन के साथ में,
तो उसका भी 350-400 जैसा था, सिर्फ 4 पीस आया था। तो टेस्ट करने के लिए ठीक है, गेस्ट आ रहे हो फटाफट में बना करके आपको देना हो, ज्यादा टाइम नहीं है तो उसके लिए भी ठीक है, पर वैसे जो होता है ना कि हर बाजी मंगवा लिए, हर 15 दिन पे 12 दिन पे एक बार खा रहे हैं, घर पे लोग जिद कर रहे हैं कि अरे वही मंगा लो बना लेते हैं, तो फिर ना आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो मैं तो उतना फ्रीक्वेंट नहीं मंगाने वाली हूँ, क्योंकि बजटिंग पे एक चीज होती है, मैं घर की जो राशन हो गया या जो खाने पीने की चीज हमारे लाइफ में हम इंक्लूड करते हैं ना, उसमें मैं बहुत ही सोच समझ के करती हूँ, क्योंकि ऐसे तो हेल्दी तो है ही नहीं, पहली बात है, टेस्टी बहुत है, हेल्दी नहीं है, लेकिन हाँ प्राइस भी बहुत ज्यादा है। तो महीने में एक दो बार चलो ठीक है, छोटा परिवार है तो भी चलो ठीक है चल जाएगा, दो बार ही में चल जाएगा, पर ज्यादा परिवार है और सबको अच्छा लग रहा है खाने में तो नॉन हेल्दी चीज पे आप ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, तो वो ध्यान दीजिएगा। मेरे ड्रेसिंग यूनिट में जॉनसन्स बेबी हेयर ऑयल क्या कर रहा है आप सोच रहे होंगे, और मैं अभी यही निकालने के लिए आई हूँ। टैटू है ना उस पे लगाने के लिए रिकमेंड किया था टैटू आर्टिस्ट ने कि जब थोड़ा सा भी वो ड्राई हो जाए, स्किन पील ऑफ हो, तो बेबी ऑयल लगाइएगा तो बेटर होगा। उसके लिए मैंने ये जॉनसन्स बेबी हेयर ऑयल ले लिया था। उन्होंने कहा था कोई भी ऑयल ले लो, बॉडी ऑयल ले लो, हेयर ऑयल ले लो, वहां पे कुकर की सीटी बज रही है, तो मैंने ले लिया हेयर ऑयल की, कोई नहीं बाद में क्या करेंगे बालों में लगा लेंगे। और इस टैटू के बारे में मुझे आपको डिटेल में भी बताना है, मैंने कहा था ना मैं इसका आफ्टर कैसा रहा, क्या क्या मैंने केयर किया, क्या क्या चीजें मुझे पता चली, कैसे क्या होता है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, तो वो मैंने अभी तक बताया नहीं है, पर निश्चिंत रहिए जरूर बताऊंगी। मैं बस वेट कर रही हूँ कि एकदम से पूरा ही ये हील हो जाए, क्योंकि अभी भी इसमें से थोड़ा थोड़ा ना निकलते हैं स्किन, तो कम्प्लीटली हो जाए तो मैं आपको बता भी सकती हूँ कि कितने दिन लगे, उस वजह से मैंने अभी तक इसके बारे में डिटेल में आपको बताया नहीं है। राइस रेडी है, दाल रेडी है, फटाफट अब फिश फ्राई करूंगी, फिर दाल को सीजन करूंगी और लंच हो जाएगा रेडी। और हाँ एक चीज और, जिनकी जिनकी शादी नहीं हुई है या न्यूली मैरिड है, वो एक चीज समझ लीजिए कि एक रोल है जो आपको शादी के बाद निभानी ही पड़ेगी, अगर आप लड़की है तो, लड़के हैं तो नहीं, अगर आप लड़की है तो, और वो है पेरेंटिंग, पीछे भूखने का रोल, कर लो ना ये कर लो ना वो कर लो ना। तब से मैं अंगद को बोल रही हूँ, अंगद बीच में टाइम निकाल के शार तो ले लो, शार लेने का टाइम नहीं हो रहा, ऐसा कैसा काम हो रहा है यार, अगर ऑफिस अभी जा रहा होता तो हर चीज का टाइम निकलता कि नहीं निकलता, चाय पीने का टाइम निकलता, लंच करने का टाइम निकलता, ये वर्क फ्रॉम होम में का इतना भी टाइम नहीं है कि इंसान 2 मिनट के लिए खाना खाए सुकून से या फिर नहा ले, और ऐसा भी नहीं है कि अब वर्क फ्रॉम होम अभी अभी चालू हुआ है, अरे 2 साल होने को रहा है, अभी समझ में पैटर्न आ जाना चाहिए कि मैं कैसे कैसे अपना समय निकालूं, वो चीज ना बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। बारिश स्टार्ट हो गई है शाम होते ही, जैसा कि रोज होता है, पर काम था निकलना तो था ही, तो जो वो घड़ी वाला काम था जो मैंने कहा था सुबह, घड़ी अपने आप ठीक हो गई है, चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से वो स्टॉप हो गई थी। और ब्लाउज तो मुझे देना ही था दिवाली का, तो वो दोनों काम था, पर अंगद का अगेन बहुत सारा मीटिंग है अभी 7 बजे से ना, 7:30 से फिर से लेकर के रात के 11 तक मीटिंग 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 ही है, तो बीच का जो थोड़ा सा टाइम मिला है फटाफट चाय पी के हम लोग निकल गए, क्योंकि मैं अगर अभी ब्लाउज नहीं दूंगी ना तो फिर पता नहीं कब मुझे मिलेगा, दिवाली का टाइम नजदीक आता जा रहा है, इस बार तो लग रहा है ना इतना जल्दी जल्दी कि दुर्गा पूजा जस्ट खत्म हुआ है और लग रहा है कि तुरंत दिवाली आ जाएगा, ऐसा लग रहा है कि टाइम ही नहीं है बीच का, तो मैंने कहा नहीं एटलीस्ट ब्लाउज दे देते हैं कि वो सिल के रख दे टाइम पे, अभी फेस्टिवल्स में वैसे भी बहुत सारा रश रहता है। बारिश तो रुक गई है तो हमें अभी ऑन द वे एक फूड कोर्ट दिख गया, तो हमने सोचा कि जरा उतर के देख लेते हैं वहाँ पे मिलता क्या क्या है, काम का क्या है, काम तो होता रहेगा, काम का हमको टेंशन नहीं है, खाने का सबसे ज्यादा टेंशन रहता है, कहीं पे भी दुकान दिखे खाने की हम लोग खाने के लिए रुकेंगे, इतना क्या टेंशन लेने का लाइफ में, खावानू पीवानू मजा करवानू।
कॉफ़ी चाहिए, सर दर्द हो रहा है, घर जाके बनाऊंगी, जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे अच्छी कॉफ़ी मिल गई। और ये जो फूड कोर्ट है ना, हम लोग फर्स्ट टाइम आए, बहुत बार देखा था पर कभी रुके नहीं। ये हमारे घर से मतलब 3-4 मिनट की दूरी पे ही होगा अगर गाड़ी से आया जाए तो इतने पास में इतना अच्छा फूड कोर्ट है। भाई मैं अंगद को बोल रही थी कि अब तो वीकेंड को अर्ली मॉर्निंग कभी कभी मैं ब्रेकफास्ट के लिए आऊंगी, क्योंकि आई लव साउथ इंडियन फूड, डोसा, इडली की मुझे बहुत क्रेविंग होती है। गाड़ी में बैठे हैं और बारिश चालू हुई है। वैसे मैं छोटू वाला अपना छाता लेके गई थी, पर ये इतना छोटा है ना, इसमें दोनों नहीं आ पाएंगे। नहीं दोनों नहीं आ पाएंगे। अंगद के ऑफिस से मिला था पिछले साल या उससे पिछले साल कभी तो, और इसका बहुत मस्त ये भी है, ऐसा केस है तो आप केस में डायरेक्टली गाड़ी में रख सकते हैं। तो मैं गाड़ी में दो छाता रखती हूँ, ये दूसरा वाला भी जो है ना वो भी ब्लू ही कलर में, व्हाट अ कोइंसिडेंस था। हाँ। दोनों ब्लू है, वो एक नीचे रहता है सीट के, वो बड़ा वाला है। पर खैर बारिश चालू हो गई तो चलिए अपना काम हो गया, बस एक घड़ी का काम बचा है, वो देख लेते ऑन द वे कोई ना कोई दुकान मिलेगा। यहीं पे शोभा का ये जो बड़ा अपार्टमेंट है ना अंगद, इसके वजह से इतना मस्त फूड कोर्ट बना है। मैं बैठ रही बारिश में, क्या ही करूं। हां तुम बैठो कार। इस पर्स में और भी घड़ी में लेके आई हूं, रिस्ट वॉच, किसी ना किसी का तो बैटरी जाता ही जाता है तो एक साथ में हो जाएगा। इसका जिप बंद कर लो ना, टाटा आउट जाओ। ये वॉलेट नहीं ले जा रहा है, खैर कोई नहीं, क्या प्रॉब्लम था उसमें? जानती हो ये बड़ा वाला तो चल ही रहा है, वो बोल रहा है बैटरी खत्म हो गया है। पर हमने तो नया बैटरी डाला ना, दो नया बैटरी डाला, आई थिंक सो दोनों ही खत्म था, बाकी में हो गया ना, बाकी सब हो गया। मैंने पहन भी लिया अपना वाला, दिखाओ आइट, क्या बात है। ये वाला जो वॉच है ना, ये वाला वॉच एक्चुअली हमारी शादी में मिला था, मेरे भैया ने दिया था, सेम कपल वाला था, ऐसा ही मेरे पास भी है, ऐसा ही अंगद के पास भी है कपल वॉच। तो ये शादियों में एक कपल वॉच तो मिलता ही मिलता है ना, वो एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड है कि मिलेगा ही मिलेगा। इतने सारे लाइट्स मंगवाया है, कहीं ना कहीं तो यूज होता ही होता है। ये वाला जो लैम्प शेड है ना, इसमें दो बल्ब लग जाता है, एक ऊपर से और एक ये नीचे वाला भी है, नीचे आप देखोगे ना तो यहाँ पे है, तो ये इतना अच्छा लगता है ना इसमें से रोशनी आती है। तो जब समर सीजन रहता है ना तब मैं ऊपर नहीं लगाती हूँ, ऊपर वाला खोल देती हूँ, सिर्फ नीचे वाला रखती हूँ, तो ऐसे बहुत ही अच्छा सा लाइटिंग आता है रात को। पर अब तो समर भी चला गया, दिवाली भी आ रही है, तो इसमें दोनों में ही लगा लिया है, तो क्या है फुल ऑन ब्राइटनेस रहती है। तो इसमें कम ब्राइटनेस वाला रखा है और इसमें ज़्यादा ब्राइटनेस रखा है। इसमें भी ना थोड़ा पावरफुल वाला लगा दिया है, पहले थोड़ा सा डिम था पर अभी अगेन दिवाली वगैरह में थोड़ा पावरफुल ही रहेगा तो अच्छा लगेगा। और कितनी अच्छी हवा चल रही है, दोनों गोल गोल घूम रहा है, बैटरी खत्म हो गया उसका, चेक करना पड़ेगा, 2-3 दिन पहले तो था, बैटरी खत्म हो गया, उसका बैटरी गया है, तब चेंज कर देंगे। इसमें ना मैंने एकदम डिम लाइटिंग लगाई थी ताकि कीड़े अट्रैक्ट ना हो, पर अभी 3 वॉट वाला लगा के देखते हैं, 2 दिन लगा के देखूंगी, बहुत कीड़े आ रहे होंगे ना तो फिर निकाल दूंगी। एक मिनट, एलईडी में ये नहीं आएगा, वो तो नहीं, जाली जाली नहीं आएगा। अरे तब तो प्रॉब्लम हो गया ना, निकाल दो, क्योंकि उसकी मेन ब्यूटी ये है कि यहाँ पे पूरा जाली जाली आता है, पर ये फ्रॉस्टेड है ना, फिलामेंट बल्ब डालना पड़ेगा उसमें हमेशा, तो ये वाला जो इफेक्ट आता है ना इसी के लिए इसमें हमेशा ये वाली लाइट चाहिए जो फ्रॉस्टेड ना हो, फिलामेंट वाली हो, तो कितना सुंदर लगता है ये देखिए, पूरा लुक ही बालकनी का चेंज हो जाता है। और स्पेशली ये इफेक्ट के लिए ही मैंने ये वाला लाइट लिया था, मस्त लगता है। और अभी तो मैं झूला भी ऑन कर देती हूँ, कीड़ों की वजह से नहीं करती हूँ, वरना तो एक और लाइट है पता है, वो पीछे साइड भी एक लाइट ऑन होता है, ये देखिए यहाँ पे पीछे में ये वाला भी एक लाइट है, इससे ना बहुत अच्छा इफेक्ट आता है वो पेड़ का और सबका। हेलो पानी, अच्छा बताती हूँ, हाँ आ रहा है आ रहा है, बिजली चमकने स्टार्ट, बारिश होगी, पता नहीं आप लोगों को आवाज़ आ रही है कि नहीं, कहीं दूर में कीर्तन हो रहा है, हल्की हल्की आवाज़ आ रही होगी, वो इतना अच्छा साउंड करता है ना रात को ये कीर्तन की आवाज़, और बहुत बार होती है यहाँ पे, ऐसा नहीं फर्स्ट टाइम, एकदम दूर में। तो मुझे ना अपने दादी घर के गांव की याद आती है, वहाँ भी रात को ना ऐसे कीर्तन की आवाज़ें आती थी, मेरे दादाजी जो है वो भी मंदिर में कीर्तन करते थे ऐसी शाम को। बस अंगद चला गया मीटिंग पे, आप वहाँ रूम देख रहे हैं बंद हो गया, मतलब उसका मीटिंग हो गया स्टार्ट, और थोड़ा देर मैं अब बैठूंगी, उसके बाद जाऊंगी बनाने के लिए डिनर, साथ ही साथ में वीडियो भी एडिट करूंगी। इसको कर देते हैं ऑन, ये अच्छी अच्छी खुशबू देता है।